नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल क्या होता है, क्या रिएक्शंस होते हैं, कैंडल कैसे काम करता है, कैंडल को कैसे पहचानते हैं, कैसे रीड करते हैं और कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर बाकी वीडियोज़ को देखें, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। अभी स्क्रीन पर आपको विजुअल है कैंडल स्टिक, मैंने दो कैंडल बनाए हुए हैं, एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड। इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा मैंने ओपन लो हाई क्लोज मार्क किया है। एक कैंडल के क्या पार्ट होते हैं, एक कैंडल में चार पार्ट हैं, बेसिकली चार ऑप्शन जिसको चार अलग अलग नाम होते हैं, पार्ट इसमें दो ही होते हैं। जो ग्रीन कलर में यहाँ पे कवर्ड किया हुआ है उसको हम बॉडी बोलते हैं और जो डंडी जैसी ऊपर नीचे की तरफ निकली हुई है उसको हम विक बोलते हैं। कैंडल में बॉडी और विक, ये दो चीज़ मिलकर कैंडल बनता है। कलर अगर ग्रीन है और जहाँ से ये ओपन लिखा हुआ है, प्राइस जहाँ से ओपन होता है और उससे ऊपर क्लोज होता है तो कैंडल ग्रीन बनती है। प्राइस जहाँ ओपन होता है और वहाँ से नीचे की तरफ क्लोज होती है तो कैंडल रेड बनती है। नीचे का जो वीक है और ऊपर का वीक है उसमें डिफरेंस क्या होता है कि कैंडल ओपन हुई थी इस प्राइस पे और उसके बाद इसने यहाँ से नीचे भी ट्रेवल किया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से प्राइस को पुश किया गया और वो ऊपर गया। और क्लोज और हाई के बीच में जो दिख रही है वो इसलिए है कि प्राइस यहाँ तक गई थी, इस लेवल तक गई थी लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर से नीचे की तरफ खिसक गई। उसके बाद ये प्राइस एक रेंज में हाई और लो दोनों डिफरेंट हैं, जहाँ से खुली और बंद हुई उस बीच में अलग डिफरेंट है। उसी सेम कंडीशन को अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे रेड कैंडल में ऊपर की साइड को ओपन होता है, नीचे की साइड को क्लोज होता है। इसका लॉजिक यह है कि मार्केट जहाँ से खुलती है वहाँ से नीचे की तरफ ट्रेवल करती है और जिस पोजीशन पे ओपन हुई है कैंडल उससे नीचे की तरफ क्लोज देती है तो वहाँ पर रेड कैंडल बनता है। इस कैंडल में बहुत सारे लॉजिक भी थे, ये बेसिक कैंडल का रूल समझाने के लिए मैंने ये डिज़ाइन किया है। अभी आपको और भी टाइप के कैंडल दिखा देता हूँ। कैंडल इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के कैंडल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कैंडल मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, सपोज एक ये कैंडल मैं ड्रॉ कर रहा हूं और इसमें एक सपोज कि एक ये कैंडल है और एक और उदाहरण लेते हैं हम इसका, अब इस कैंडल में हम थोड़े से चेंजेस करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ओके, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। ओके, इन कैंडलों को भी लॉक कर देते हैं। अभी यहाँ पे क्या लॉजिक है, इस कैंडल में विक ऊपर की तरफ नहीं है, केवल नीचे की तरफ है। इस कैंडल में विक भी ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है। एक और बॉक्स हम एक सपोज ये कैंडल है, सेम यही सिनेरियो हम अभी हम इसको एक रेड कैंडल बनाते हैं और दोनों के लॉजिक को हम डिटेल में आपको समझाएंगे।
ओके वन मोर, आई होप कि आप ये लॉजिक को समझ पाएंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आपको डिटेल में बता पाऊँ। एक सिनेरियो ये था, एक ये था, ये बेसिक कैंडल थे। ओके कुछ चीज़ें हमें इसमें कॉपी कर लेता हूँ। अगर तुम साथ हो, और ओपन और हाई यहाँ पे सेम हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। इस कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो इस कैंडल में आपको दिख रहा है कि विक केवल नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है, और ये ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, प्राइस नीचे भी आई, लेकिन बायर्स ने प्राइस को पुश किया और ऊपर की तरफ क्लोज किया, बट जहाँ हाई बना क्लोज भी वहीं पे दिया। हाई और क्लोज जब सेम होगा तब कैंडल में ऊपर की विक नहीं होगी। उसका अपोजिट यहाँ पर होता है कि इस कैंडल में ग्रीन जहाँ से ओपन हुआ उससे नीचे नहीं गया, हाई और हाई बनाता गया और ऊपर की तरफ विक निकल गया। इस कैंडल के केस में क्या होगा कि लो और ओपन सेम माना जाता है, क्योंकि प्राइस जहां ओपन हुई वहां से बूम बूम ऊपर की तरफ ही भागी। ये कैंडल उसका आपका एक डेमो है। दूसरा ये कैंडल जो तीसरा जो सिंबल हमने दिया है ये फुल बॉडी है, इसमें विक नहीं है, बिना विक की कैंडल है। इसका मतलब ये है कि ये कैंडल ग्रीन है अगर, तो जहाँ से खुलती है वहीं उसका लो था और जहाँ क्लोज होती है वहीं उसका हाई था। मतलब जहाँ से खुलती है एक सर्टेन रेंज पे जाके अपने हाई पे जाके क्लोज करती है, तब इस टाइप की कैंडल बनती है। रेड कैंडल के सिनेरियो में ये चीज़ें उल्टी हो जाती है, अगर ऊपर का विक नहीं है और नीचे की तरफ कैंडल क्लोज हुआ है। तो एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूँ, क्लोज, और इस केस में ऊपर की साइड यहाँ पे ओपन को डालना होगा हमें। ओके ये इसका यहाँ पे हाई हो गया और ये यहाँ पे इसका हाई हो गया।
आई थिंक नो, ये इसका हाई यहाँ नहीं है, इसका हाई यहाँ पे है। इसका हाई हाई लो, क्लोज, और इसके केस में यहाँ पे ओपन आ जाएगा। थोड़े बहुत स्पेस को एडजस्ट कर देते हैं, एक्चुअली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट बिलीव मी एक बार अगर आप ये समझ जाते हैं देन ये आपके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। ओके तो इस केस में आप समझ चुके हैं, और इसमें एक लो ऐड करना पड़ेगा एक और। अब इस केस में तीन पार्ट बने हैं, ओपन एक्चुअली यहाँ है, ये लो है, ये स्कैंडल का लो है। ओके इस टाइप का ये प्रॉपर कैंडल है जिसमें प्रॉपर विक है, प्रॉपर बॉडी है, हाई लो ओपन क्लोज। ये कैंडल में प्रॉपर कैंडल नहीं है, इसमें तीन ही चीज़ है, हाई और क्लोज सेम है, ओपन और लो डिफरेंट है। इस कैंडल में लो और ओपन सेम है और हाई और क्लोज डिफरेंट है। ये भी कैंडल, ये तीसरे टाइप का पैटर्न है जिसमें कोई विक नहीं है, ना इसमें हाई है बना अलग से, ना लो अलग से बना है, ओपन लो और हाई क्लोज, ये तीन सिनेरियो ये ग्रीन कैंडल के। दूसरा रेड कैंडल में सेम अगर सिचुएशन होती है तो यहाँ पे ओपन और हाई सेम होगा, क्लोज और लो अलग अलग। दूसरा सिनेरियो है लो और क्लोज सेम होगा, ओपन और हाई के बीच में डिफरेंट है। और तीसरा रेड कैंडल में जो अगर इस टाइप की होती है बिना विक की, जिसमें हाई और ओपन सेम होता है और लो और क्लोज भी सेम होता है। ये इस टाइप के कैंडल आपको नॉर्मली मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिकली चाहें तो आप चार्ट पे भी जा करके इस टाइप के कैंडल को ढूंढ सकते हैं और वो इजीली मिल जाते हैं। अभी जो जो कैंडल मैंने आपको बताया है मैं उसका प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ नहीं आए आप रिपीट करें। आपको कैंडल, आई होप कि इसमें कैंडल मैंने जो कोशिश की है समझाने की वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये आज का हमारा निफ्टी का चार्ट, आप कोई भी कैंडल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा कि ये कैंडल आप देख रहे हैं, इसमें ये रेड कैंडल है। एक्चुअली मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ है तो थोड़ी बहुत समस्या होगी, आप एडजस्ट कर लीजिए। इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, इसमें ओपन और हाई सेम है। आप चाहें तो जब मैं कैंडल के ऊपर कर्जर लाऊंगा तो कर्जर लाने के बाद आप इस सेक्शन में आप प्राइस को नोटिस करना, ये ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पे आप जैसे ले जाते हैं आप देख लीजिए। इसका ओपन 22,069.65 और हाई 22,070.10, एक्चुअली माइनर सा है, कोई और परफेक्ट कैंडल ढूंढते हैं। ओके ओके
ये कैंडल देख लीजिए आप, आज की 9:45 की कैंडल है। इसमें ओपन और हाई सेम बना हुआ है, 21,972 रुपये 15 पैसे, और हाई भी बना है 21,972 रुपये 15 पैसे। तो ये सिनारियो आपका होता है इसमें। चलिए मैं इसको दो भाग में कर देता हूँ ताकि ये बेटर आपको समझ में आए। ओके, अब 9:45 की जो कैंडल थी वो कौन से सिनेरियो को हमारा कवर कर रही थी? वो कवर कर रही थी इस वाले को। ये रेड कैंडल है, ओपन और हाई सेम बना है। सेम अगर हम ये रेड कैंडल इस टाइप के ढूंढते हैं जिसमें ओपन और लो सेम बना हो, वो कैंडल बनी है 21,875.80, लो और क्लोथ सेम बनी हो। हाँ ठीक है, लो और क्लोथ सेम बनी है, जिसमें ये है कैंडल आपका 10:50 की कैंडल। इसका लो 21,856.70 रुपये और इसका क्लोज 21,863.85 रुपये और इसका क्लोजिंग भी 21,863.85 रुपये। ये फिगर जैसे ही कैंडल के आप कर्सर ले जाएंगे आपको ये प्राइस यहाँ पे दिखेगी। आप देख लीजिए अभी 10:45 की जो कैंडल है इसका लो और क्लोज सेम है, इसका मतलब ये कैंडल इस सिनारियो को कवर करती है। अब जो लास्ट कैंडल बचा है ये ओपन लो, ओपन हाई, लो क्लोज, ये रेड कैंडल जो केवल बॉडी ही बॉडी होगी, इस कैंडल को ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई कैंडल मिलता है किसी और टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, मे भी मिल जाए। ये बहुत वो है रेयर। चलिए इसमें टाइम लगेगा, आप ढूंढ सकते हैं। सेम ग्रीन के केस में भी वही है, ये हाई और क्लोज सेम ढूंढना है हमें। आप ये कैंडल देखिए, हाई 22,048.15 रुपये और क्लोज 22,048.15 रुपये। ये 15 मार्च का है, 14:55 की कैंडल है। इसमें आपका ये फर्स्ट सिनारियो मिलता है। सेकंड सिनारियो लो और ओपन सेम, ओपन लो कैंडल ढूंढना है। ओपन लो कैंडल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ओपन लो ये है आपको 22,017.45 और लो 22,017.45, ये भी 1:45 का वो आपको इधर भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। ये ओपन 22,034.60 और लो 22,034.10, माइनर सा डिफरेंस है। आज की ट्रेड हिस्ट्री देखते हैं कहीं आज मिल जाए। ये मे बी ये दिस वन, ये 21,809.45 और लो 21,809.45। ये आपका सेकंड सिनारियो। और थर्ड ओपन लो हाई क्लोज, ये कैंडल एक्चुअली ये बहुत रेयर होता है क्योंकि नॉर्मल वीक मिल ही जाते हैं। हाँ टाइम फ्रेम अगर चेंज किया जाए तो थोड़ा बहुत कहीं दिख सकता है। एक बार देखते हैं थोड़ा हाईर टाइम फ्रेम पे, इसमें और मुश्किल लग रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाएँ तो मे बी पॉसिबली मिल सकता है। चलिए इंडेक्स का चार्ट है तो इसमें इस टाइप के कैंडल मिलने थोड़े से टफ है, तो इस टाइप से ही होता है। और बाकी जो बेसिक कैंडल हमने बताए हैं, बेसिक कैंडल आप देख लीजिए, इसमें ओपन लो हाई क्लोज चारों डिफरेंट होंगे। रेड का सिनेरियो रेड में भी आप देख सकते हैं ओपन लो हाई क्लोज चारों डिफरेंट है। तो ये इस सिनेरियो में ये चीज़ होती है। अब कैंडल के पीछे के लॉजिक क्या है, कहाँ पे क्या है, किस कैंडल को क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। और ट्रस्ट मी कि एक चीज़, कैंडल का नाम केवल याद कर लेने से कोई ट्रेडिंग नहीं सीख जाता है। आपको कैंडल पहचानने आना चाहिए, कैंडल के पीछे के लॉजिक पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रॉपर ट्रेड बना पाएंगे। तो ये था कैंडल स्टिक के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो कैंडल के ऊपर बनाऊंगा मैं, उसमें कैंडल के प्रॉपर लॉजिक के साथ बताऊंगा कि ये कैंडल यहाँ पे बना तो इसका क्या रिएक्शन था, इसमें हमें क्या प्लान एग्जीक्यूट करना था। तो चलिए मिलते हैं कैंडल स्टिक की न्यू वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा, कैसा लगा प्लीज़ चैनल को प्रमोट करें, लोगों तक बताएं। अगर किसी के काम का कुछ मिलता है इसमें, आपको लगता है कि ट्रेडिंग वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियोस पसंद आए तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।